हेलो दोस्तों, मैं सचिन अपने गबरू फिटनेस लाइफस्टाइल में आप सभी का एक बार वेलकम करता हूँ। फिटनेस की इस लाइफ में हम अपने ज़्यादातर अपने स्टाइल को, अपने लुक को और स्पेशली अपने हेयर्स को भूल जाते हैं। तो आज मैं अपना एक कुछ नए हेयर स्टाइल ट्राई कर रहा था, जिसमें मैं 7 शेड्स, एक अपना यूनिसेक्स सैलून है हमारे NIT हमारे फरीदाबाद में सेक्टर 14 में, जहाँ मैं आया और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने काफ़ी नए नए तरीके के हेयर स्टाइल्स ट्राई किए, जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में देखा भी होगा, और अभी एक पूरा व्लॉग मैंने इस पर शूट किया है कि किस तरीके से हमने ये पूरा प्लान किया, कैसे कैसे बनाया, वो मैंने आपको पूरा दिखाया इस वीडियो में। तो आगे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपको भी अगर ट्राई करना है, आप भी इस तरीके के हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, और मेरे न्यू वीडियोज़ जो है हेयर स्टाइल्स के ऊपर आते रहेंगे, स्पेशली फ्रॉम 7 शेड्स। यहीं से मैं अपने हेयर कट और मेकअप से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं शूट करके आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोगों को जैसा भी ये वीडियो लगे ज़रूर बताना, हेयर स्टाइल्स में कुछ कमी हो या फिर इसमें हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस वीडियो, कम्प्लीट व्लॉग है, अच्छे से मैंने इसे बनाया है, प्लीज़ एक बार ध्यान से देखना और अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। हेलो मेरे गबरू दोस्तों, क्या हाल है? तो ये जो हेयर स्टाइल का मेरा ये न्यू वीडियो है, ये बेसिकली मैं अपने उन सभी दोस्तों और भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो बाइक पर यार ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैं भी बाइक पर बहुत ट्रैवल करता हूँ, अराउंड दिन में 50-60 किलोमीटर मेरा ट्रैवल रहता है बाइक के ऊपर, तो हेलमेट लगा के घूमना पड़ता है। मैं बड़ा परेशान होता था मेरे बालों की वजह से, कई बार कभी भी कहीं जाना हो जल्दी जल्दी में अगर कोई अच्छा हेयर स्टाइल बनाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो मैं कोई एक ऐसा सोल्यूशन चाहता था कि मैं अपने बाल नॉर्मल रूटीन में सिंपल तरीके से रखूँ, बट जब भी मुझे कुछ चाहिए हो तो वो ऑलवेज़ रेडी हो, बस थोड़ा सा टाइम दो और मेरे बाल एक अच्छे हेयर स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो उसी चीज़ के लिए मैंने क्या किया, मैं अपने वहीं नियर बाय में एक 7 शेड्स यूनिसेक्स सैलून है हमारे यहाँ, जिसमें मैं मिला और मैंने एक्सपर्ट से बात करी, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे 2-3 हेयर स्टाइल सजेस्ट किए और उसी हेयर स्टाइल के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और इस वीडियो को एंड तक देखना। जिन भी दोस्तों को मेरे हेयर स्टाइल पसंद आए प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स पर वीडियो बनाऊँ, समर्स के लिए, विंटर के लिए, हर सीज़न के लिए, हर टाइम के लिए, पार्टी के लिए, सो दैट के आप लोगों तक मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपर्ट्स के साथ मिल के लेकर आता रहूँ। तो ये हेयर स्टाइल मुझे तो काफ़ी पसंद आए हैं और आई होप कि आप लोगों को भी सबको पसंद आएंगे। इसमें हमने छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया है, जैसे कि हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो पीछे से बाल अगर बड़े हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पीछे से बालों को छोटा रखा जाए इस बार और थोड़ी सी अच्छे स्टाइल से रखा जाए, ये नहीं कि सिर्फ छोटा कर दिया जैसे। तो उसके साथ साथ आगे से थोड़े से बड़े ही रखे हैं मैंने, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि बाल थोड़े से आगे की तरफ बढ़े रहें, और साइड से भी मैंने इनको थोड़ा सा छोटा ही रखा है, और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे लुक में दिया है इन्होंने, मेरे को काफ़ी हेल्प करी है यहाँ पर सबने मेरी। तो आई होप आप लोगों को ये हेयर स्टाइल्स अच्छे लगेंगे। आगे मैं कुछ फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, आप देखना उन उस फ़ोटोज़ को भी, और इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो मेरी फ़ोटोज़ को गबरू फिटनेस लाइफस्टाइल के ऊपर जाके, जहाँ पर मैं ये जो हेयर स्टाइल है उसकी फ़ोटोज़ डालूँगा, बिफ़ोर एंड आफ्टर की दोनों की डालूँगा, आप देख लेना उसको। वहाँ पर भी जाके आप मेरी रेगुलर स्टोरीज फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से आपको अच्छा और यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे, तो कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना और सारे गबरू एक बार ज़रूर कमेंट भी कर देना, अच्छा लगेगा तो। थैंक यू वेरी मच।